ये है आज की बड़ी अपडेट। जापानी न्यूज निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने किया बड़ा खुलासा, कहा देश में 20 वर्ष से अधिक पुरानी 2 करोड़ से भी ज्यादा वाहन मौजूद हैं। जी हां, उस वक्त बता दें, केंद्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया कि देश में 20 वर्ष से अधिक पुरानी 2.14 करोड़ से ज्यादा वाहन मौजूद हैं। दोस्तों, उनके द्वारा बताए गए आंकड़े के अनुसार ऐसे सर्वाधिक 39.48 लाख वाहन कर्नाटका में है, 36.14 लाख वाहन दिल्ली में है और 26.20 लाख वाहन यूपी में है। दोस्तों, कर्नाटका, दिल्ली और यूपी ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पुरानी गाड़ियां सबसे ज्यादा है। दोस्तों, पुरानी गाड़ियां होने की वजह से ये पॉल्यूशन काफी ज्यादा क्रिएट करती है, इसी वजह से हमारे देश में पॉल्यूशन काफी तेज से बढ़ रहा है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर 20 वर्ष से अधिक गाड़ियां हम अपने देश में चलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज होगा, जिससे हमें बाद में चल के और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर हमें डिटेल में विचार करना चाहिए ताकि हमारे देश का कुछ भी नुकसान न हो सके। दोस्तों, आपको न्यूज के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।